सो हम बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गैस को ऑन कर लिया है और उसके बाद इसको गर्म होने दें। फिर हम इसमें तेल डालेंगे, तेल घी जिसमें आपको पसंद हो। मैं रिफाइंड वाला डालूंगी क्योंकि मैं घी नहीं खाती। चाहो तो घी भी डाल के इसको पहले गर्म करो, फिर हम आगे का दिखाएंगे। आप देख सकते हो अब हमारा कुकर गर्म हो गया है, तो हम इसमें रिफाइंड डालेंगे। ये रिफाइंड वही है जिसमें मैंने अभी ये वाला प्याज फ्राई किया है बिरयानी में डालने के लिए। तो हमने रिफाइंड डाल दिया अच्छे से। रिफाइंड थोड़ा ढंग से डालना है क्योंकि इससे चावल क्या होगा, अलग अलग होगा, वो चिपकेगा नहीं। तो हम इस रिफाइंड को गर्म करेंगे। सॉरी वो बीच में हिल गया था, हम सॉरी। तो इस तरीके से इसको भूनेंगे अच्छे से। भूनने के बाद वो आप देख सकते हैं ये हमारा ऑलरेडी भून चुका है। आंच को मीडियम मीडियम कर देते हैं। अब ये चावल है 1.5 कप जो मैंने पानी में भिगो के रखा था, उसके बाद इसको छान के 10 मिनट के लिए सोख होने के लिए पानी में करने के बाद मैंने इसको बाहर 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। अब हम इसको, पानी सूख चुका है, अब हम इसको भून लेंगे। रिफाइंड में मैं डालती हूँ। आप देख सकते हैं हमने चावल को इसमें डाल दिया है। अब इसको हम अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे ताकि सारे खड़े गर्म मसाले और रिफाइंड चावल में अच्छे से लिपट जाए। अब इस जगह पे हम इसमें डालेंगे नमक। आपको नमक उसी हिसाब से डालना है जितना कि चलता है, क्योंकि अभी क्या है कि हम ऑलरेडी जो अंडा करी डालेंगे उसमें भी नमक, इसको अच्छे से मिक्स करना है नमक को चारों तरफ। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से रिफाइंड खड़े गए मसाले नमक में मिक्स हो गया है। अब ये हमारा 1 से 1.5 मिनट तक भून भी गया है चावल एकदम मीडियम आंच पे। तो इस जगह पे हम डालेंगे पानी। अब क्या है कि हमने इसमें पानी डाल दिया। नॉर्मली क्या होता है कि हम 1 कप चावल डालते हैं तो 2 कप पानी डालते हैं, लेकिन चूंकि हम बिरयानी बनाने वाले हैं इसलिए चावल थोड़ा सा हल्का सा कच्चा होना चाहिए, और मतलब 75% पका होना चाहिए, 25% नहीं पका होना चाहिए। तो इस जगह लिए हमने क्या किया कि 1.5 कप चावल डाला तो 2 कप पानी डाला। अब हम इसे सीटी इसमें से को बंद करेंगे और उसके बाद जो है सो हम इसमें 1 सीटी देंगे एकदम मीडियम आंच पे। हम इसमें 1 सीटी डालेंगे और उसके बाद जो है सो हम सीटी हाफ निकाल देंगे और हाफ रहने देंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर के बाद। आप अब देख सकते हैं कि हमारी सीटी आने वाली है, ऑलमोस्ट आने ही वाली है। जैसे ही सीटी आएगी हम गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए हमारी सीटी आ गई। अब हम गैस को हाफ निकाल देंगे ताकि ये अच्छे ज्यादा ना। बस इतना गैस को हमने निकाल दिया, उसके बाद इसको हम छोड़ देंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हो चावल कितना सुंदर लग रहा है, कितना खरा खरा सा है ना, अलग अलग चावल। तो अभी मैं आपको इसको बाहर निकाल के दिखाती हूँ। आप देख सकते हो हमारा बिरयानी के लिए चावल, खरा खरा चावल कितना सुंदर बन के तैयार है। अभी हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से हाथ में जाते के देख लीजिए। कुछ ऐसा चावल होना चाहिए कि दाबने से वो टूटे, अथवा सा कचकचापन होना चाहिए, क्योंकि हमें उसे 10 मिनट चूल्हे पे भी पकाना है मीडियम द मिनिमम आँच पे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, चावल बन के तैयार है। मैंने 2 जगह इसलिए डाला था कि आप देख पाए। मैं आपको क्लोज से दिखाती हूँ, एकदम खरा खरा चावल है और चिपका बिल्कुल नहीं है। मैंने इधर हरी मिर्च 2 पतले पतले काट के, इधर प्याज भी कद्दू करके उसको फ्राई करके रख लिया। अब इसे हम लेयर लगाते हैं। अब हमारा जो है सो बन गया है और हम सबसे पहले जो है सो अंडे का झोर है हमारा, रस जो भी बोलना चाहो, वो हम सबसे पहले नीचे में डालेंगे इस तरीके से। फिर हम चावल डालेंगे ऊपर से। अच्छा
इसके ऊपर थोड़ा सा हम ये भुना हुआ प्याज डाल देंगे, थोड़ा सा दो हरी मिर्च, उसके बाद हम फिर से चावल डालेंगे क्योंकि हमने पतला सा लेयर लगाया था प्याज डालने के लिए। अभी हमने डाल दिया चावल का लेयर, इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस भी करना है ताकि ये अच्छे से सेट हो पाए। उसके बाद हम फिर से यहाँ पे जो है सो हमारा अंडा का बना हुआ रस है जो रे उसको डालेंगे, और बीच में अंडा भी जिस तरीके से डालना है। उसके बाद हम फिर से चावल डालेंगे जो हमने बिरयानी के लिए तैयार की है, वो हम दूसरे थाली में से लेते हैं। पहला वाला थाली खत्म हो चुका है तो हम कुछ इस तरीके से इसको डालेंगे एंड प्रेस कर करके रखना है, प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फिर से हम यहाँ पे थोड़ा सा प्याज ऊपर में स्प्रिंकल करेंगे, फिर एक दो हरी मिर्च डालेंगे, और फिर से हम अपने चावल को जो हमने तैयार किया है उसको डालेंगे कुछ इस तरीके से। इसको हाथ से थोड़ा सा प्रेस भी करना है ताकि जब हम निकले तो एक दूसरे से ये कुम्बल हो चुके हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे फिर से इसका रस डालेंगे कुछ इस तरीके से। तो ऊपर सारे अंडों को डाल देंगे बारी बारी से, जितने सारे पीसेस हैं सबको डालेंगे हम ताकि इसमें थोड़ा सा रस और डाल देंगे इस तरीके से। लास्ट लेयर हम डालेंगे चावल को फिर से। पूरा ऊपर तक हमें डालना है ताकि वो दम दे पाए। अब इसको हम क्या करेंगे, आप सोचेंगे कि ओवरलोडेड है, बट ओवर नहीं है। आप इस तरीके से पकाइए, काफी अच्छे से तैयार हो। अब हमने इसको ऐसा कर दिया, लास्ट जो है वो हम जितने भी हमारे बचे हुए प्याज हैं सबको ऊपर से डालेंगे, और हरी मिर्च को भी जगह जगह से डाल दीजिए, देखने में खूबसूरत लगती है। अगर आपके पास जो है सो ये है केसर पानी भिगोया हुआ या दूध में भिगोया तो डाल सकते हैं, आपका कलर अच्छा आएगा। लेकिन मैं केसर नहीं डालती इस जगह पे जो है सो मैंने जो प्याज फ्राई किया था ना वो वाली तेल लगभग 1 चम्मच के करीब में मैंने ऊपर से डाल दी है। अब हम यहाँ पे ढक्कन को लगाएंगे, ढक्कन को कुछ इस तरीके से जो है सो हम इस तरीके से जो है सो ढक्कन को लगा देंगे और फिर इसको गैस पे चढ़ा देंगे। गैस को मैंने ऑन कर दिया है और इसको चढ़ा दिया है एकदम मिनिमम आंच पे, 10 मिनट के लिए पकने देंगे। हो गया हमारा 10 मिनट में हमारी बिरयानी बनके तैयार हो जाएगी। मैंने मिनिमम आंच पे चढ़ा दिया 10 मिनट के लिए, इसको दम लगने के लिए हम छोड़ देंगे, और उसके बाद जो है सो 10 मिनट बाद हमारी बिरयानी तैयार होगी। मैं आपको सर्व करके उसमें दिखाऊंगी कि कैसा बना है। तो अब हमारा जो है सो 10 मिनट हो चुका है, हमने उसको गैस उतार दिया और अभी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आपके पास जो है सो केसर का पानी दूध वाला होता तो कलर और बेहतर आता, लेकिन ऐसे भी बहुत ही खूबसूरत, आप क्लोज से देख सकते हो कि काफी खूबसूरत कलर है। और अभी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ बाहर कि ये कैसा है। कुछ इस तरीके का ये है, आप देख सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो। आपका अंडा बिरयानी बनकर बहुत बहुत खूबसूरत और लजीज बनकर तैयार होगा। आई मस्त से कि आपको अच्छा भी लगेगा।
आप एक बार ट्राई करो कि कैसा बना, और प्लीज कमेंट करके बताओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए थैंक यू। ये है हमारा अंडा बिरयानी, आप देख सकते हो क्लोज से, कुछ इस तरीके का है। खाने में काफ़ी टेस्टी। अब डायरेक्ट पसंद है डायरेक्ट खाओ, रायता के साथ खा सकते हो, लेकिन मेरे घर में सबको ज़्यादा नींबू डाल के प्याज सैलेड के साथ ज़्यादा पसंद है, तो मैं अभी वैसे सर्व करूँगी। तो आप इसमें नींबू डाल के खाओ, चटकारे मार के खाओ, बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू।